केकेडी के सभी दर्शकों को अनिल भाई का नमस्कार। और जैसे कि हम डेली छोटे छोटे न्यूज अपडेट करते हैं, तो आज हमें पहुंचने का मौका मिला बैंक के बड़े मंडल में। वहाँ पर हमने देखा कि अग्रवाल समाज के द्वारा एक बहुत ही भला काम किया जा रहा है, जिससे कि पूरी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से जयंती जी मिल गए थे, हमें वहाँ पानी की जो व्यवस्था थी उसके लिए वाटर कूलर नहीं था, जिसमें कि जहाँ पर जो श्रद्धालु आते थे तो पीने की दिक्कत होती थी। उसको देखते हुए अग्रवाल समाज ने यहाँ पे वाटर कूलर की व्यवस्था करी है। और आपने देखा होगा हर टाइम किसी न किसी जगह पे भले काम करते रहता है अग्रवाल समाज, तो उसी के तहत हम यहाँ पे आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जयंती देव मंदिर से। आप देख रहे हैं यहाँ पे जिससे कि अग्रवाल समाज ने यहाँ पे वाटर कूलर की व्यवस्था की है, और अभी थोड़ी देर में उसका उद्घाटन किया जाएगा। और इसकी पूरी पूरी जानकारी हमारे चैनल पे आपको देखते रहेंगे। और साथ में हम यहाँ पे अग्रवाल समाज के जो मेंबर मौजूद हैं, जिस तरह से जो जयंती देव मंदिर के संस्था के लोग भी मौजूद हैं, तो उन सभी से हम बात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि ये इंस्पिरेशन उनको कहाँ से मिलती है और कैसे ये सब कर पाते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहिए, आप हमेशा आपको देखते रहेंगे हर छोटे बड़े न्यूज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो। ऊपर देख लो, सावर जी आज किस तरह की मीटिंग बुलाई गई थी, क्या फैसला लिया है? आज का जो कार्यक्रम जयंती देवी मंदिर में अखिल भारतीय अग्रवाल समाज जींद की तरफ से प्रधान राजकुमार गोयल जी जिसके मुख्य अतिथि थे, आज के इस कार्यक्रम में हमने वाटर कूलर जो जींद की जयंती देवी मंदिर में स्थापित करवाया है अपने समाज की तरफ से, जो आने जाने वाले धर्मानुयायियों और यात्रियों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, यही सोच करके अखिल भारतीय अग्रवाल समाज ने आज ठंडे पानी का एक वाटर कूलर यहाँ पर स्थापित करवाया है। और माता रानी की असीम कृपा से यह वाटर कूलर आज हमने शुरुआत की है, और शहर में कई अन्य जगहों पर भी हम इसका लगाने का प्रावधान रखे हुए हैं। जहाँ भी ज़रूरत हमारे को महसूस होगी वहाँ पर वाटर कूलर का इंतज़ाम या कोई भी धार्मिक या सामाजिक सेवा में कोई भी कार्य रहेगा, अग्रवाल समाज उसमें अग्रणी है, हमेशा पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। सावर जी, कोई भी कार्यक्रम होता अग्रवाल समाज जो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेता, और क्या कहना चाहेंगे आप आगे किस तरह से? माता रानी की कृपा है, माता रानी के आशीर्वाद है जो हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए हुए है, और हमारे प्रधान जी राजकुमार गोयल जी इस प्रकार के कार्यों में हमेशा ही अग्रणी रहते हैं और हम उनकी टीम के रूप में काम करते रहते हैं। और इसी का कड़ी में आज हमने यहाँ पर वाटर कूलर का यहाँ पर इनॉग्रेशन करवाया है राजकुमार जी के हाथों से, अखिल भारतीय अग्रवाल समाज जींद द्वारा। ठीक है, बोलो प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आज वाटर कूलर भी आपने भेंट किया अग्रवाल समाज, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना के दौरान जितने भी प्रवासी जगह जगह पर रुके हुए थे उस दौरान उनकी हम सेवाएं करने जाते थे। जब हम जयंती देवी मंदिर में आए, यहाँ जो पुजारी जी हैं नवीन जी, इनके माध्यम से पता चला कि जयंती देवी मंदिर के परिसर के अंदर कोई भी वाटर कूलर नहीं है। जो वाटर कूलर पहले लगे हुए थे वो फिलहाल ख़राब अवस्था में हैं, श्रद्धालुओं को गर्मी में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तभी से हमने लगा लिया था कि कहीं इसमें वाटर कूलर हम जरूर जल्द से जल्द लगाएंगे। हमारे प्रमुख समाज सेवी हैं सुभाष डोला जी चंडीगढ़ वाले, उनके सहयोग से अखिल भारतीय अग्रवाल समाज द्वारा आज एक बढ़िया क्वालिटी का वाटर कूलर यहाँ लोकार्पित किया गया जयंती देवी मंदिर में। इससे श्रद्धालुओं को काफ़ी फायदा होगा गर्मी के मौसम में। अग्रवाल समाज समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक कार्य करती रहती है, कभी वृक्षारोपण का काम है, वाटर कूलर लगाने का काम है, गरीब लड़कियों की शिक्षा का काम है, परिचय सम्मेलन करवाने का काम है, गरीब कन्याओं की शादी करवाने का काम है, इस प्रकार के सामाजिक कार्य समय समय पर करती रहती है। उसी कड़ी में आज ये वाटर कूलर जींद की जयंती देवी मंदिर को लोकार्पित किया गया है। ये आरओ सुविधा युक्त भी है। देखिए जी, ये वाटर कूलर बढ़िया क्वालिटी का लगाया गया है, साथ में आरओ लगाया गया है, समरसिबल से इसका कनेक्शन करवाया गया है, और साथ में इसको चारों तरफ से लोहे का एक पिंजरा बनाकर उसमें कैद कर दिया गया वाटर कूलर को, ताकि ये सेफ रहे किसी तरह से भी, और इसमें बड़ा अच्छा मीठा पानी आ रहा है, श्रद्धालु उससे काफ़ी फायदा उठा रहे हैं। सर, अग्रवाल समाज हर तरह से जो है कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें मतलब सामाजिक सेवा करता है, क्या अन्य जगह भी वाटर कूलर लगाए जाएंगे?
देखिए संस्था का नाम अखिल भारतीय अग्रवाल समाज जरूर है, लेकिन यह नहीं है कि खाली अग्रवाल समाज के लिए काम करता है। अग्रवाल समाज संस्था का नाम तो ये है कि इसमें हम अग्रवाल समाज के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम हर समाज के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज का है। गरीब कन्याओं की शादी है, जैसे आज जयंती देवी मंदिर में वाटर कूलर लगाया गया है। कोरोना के दौरान में हमने बड़े प्रवासियों की सेवा की, कोई बिहार से आया हुआ था, कोई केरला से आया हुआ था, पूरे देश की हमने सेवा की है। हम लगातार हमने अपने मन में सोच रखा है कि ये जो पूरा देश है, पूरी पृथ्वी के परिवार है, इस परिवार की जितनी सेवा हम कर सकते हैं उतनी कम है। इसी उद्देश्य के मद्देनज़र हम लगातार सेवा करते रहते हैं। जहाँ भी हम अपने शहर में ये लगता है कि इस बात की कमी है, तो उसका दूर करने का प्रयास करते हैं। अभी 3 दिन पहले हमें पता चला कि जींद की एक लड़की है, वो पढ़ने में असमर्थ है, तो तुरंत हमने बिना किसी को बताए उसका नाम उजागर किए, उसको ये विश्वास दिलाया कि हम आपको पढ़ाएंगे 2 साल तक लगातार। पीछे में 4 दिन पहले एक लड़की मिली जिसको सिलाई मशीन की जरूरत थी, वो कह रही थी मेरे माँ बाप कमाने वाले नहीं हैं, मेरे को सिलाई मशीन की जरूरत, अगर वो आप दे देंगे तो मैं सिलाई का काम करूँगी, सूट बनाकर लोगों को दे दूँगी। तो हमने उसको सिलाई उपलब्ध करवा दी। किसी भी प्रकार का इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो लड़की कौन है, किसको हमने सिलाई मशीन दी है। इस प्रकार के छोटे छोटे काम जिसके लिए वो बिल्कुल वो तंग रहते हैं, उस प्रकार की सेवा हम करते रहते हैं। ठीक है।